में 55 लाख करोड़ का कर्जा था और वो बढ़ाकर सितंबर 2023 में 205 लाख करोड़ का है। मोदी आए तब से कर्जा बढ़ गया, अब क्या करोगे? काम होगा भाई, जहाँ विकास होगा कर्जा तो, ये कर्जा हमारे ऊपर मोदी के ऊपर नहीं है, भरने जाएंगे कांग्रेस के सरकार में। 3000 करोड़ का तो ईरान पे कर्जा था पेट्रोल का, ये 55 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। सुनो आंकड़ा मैं बताता हूँ, गूगल करके दिखा देता हूँ। 2012 में 3 नवंबर को 1,03,000 करोड़ का कर्जा था हमारे पे ईरान को, ईरान को पेट्रोल के पैसे देने थे, समझ रहे हो? और तुम 55 लाख करोड़ पे अटके हुए हो। पहले यही तो कह रहा हूँ, इनको नॉलेज है नहीं। सुनो मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, आप देश के युवा हो ना, सुनो हमारे रिजर्व, पहले मैं बताता हूँ भाई, आप पहले सुनो, हमारे रिजर्व हुआ करते थे $95 बिलियन, इसमें से $9 बिलियन IMF के थे, ठीक है। आज की डेट में 10 सालों के अंदर 70 साल में सिर्फ $95 बिलियन हम इकट्ठे कर पाए। टूरिज्म, जिस टूरिज्म की बात करते हो ना, आज $817 बिलियन है, इकोनॉमी बढ़ती है इससे, रिजर्व से, समझ रहे हैं? आज 4-5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप आगे बढ़े रहो ना, आपको आगे करना है ना, हर किसी का सपना होता है मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, समझ रहे हो? 70 सालों के अंदर सिर्फ $95 बिलियन, और जिस कांग्रेस की बात करते हो 2007 के अंदर, सुनो 2007 के अंदर फिरोज खान का पोता पप्पू मेंटल, उसके नाम पे सोनिया गांधी ने 34,000 करोड़ का एक होटल खरीदा गया। मैं आपको बताता हूँ, सुनते रहिए। आज की डेट में उसके पास प्रॉपर्टी पता कितनी है राहुल गांधी के पास? 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इटली के अंदर, सिर्फ इटली के अंदर। जिस आप कांग्रेस की बात करते हो, जिसके 3 पुश्तों ने कुछ काम नहीं करा, वो आज 3 की प्रॉपर्टी के बारे में कितनी, जैसा की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सर्च करे होंगे उसके बारे में भी बताइएगा, थोड़ा सा वो भी बताएंगे, वो भी बताओ, वो आंकड़े भी बताएंगे। भाई बता रहे राहुल गांधी का बताया ना, राहुल गांधी का इन्होंने आंकड़ा बताया ना, तो जय शाह का भी ये बताएंगे भैया, ठीक है भैया जी आप बताइए। मैं बताता हूँ जय शाह की प्रॉपर्टी के बारे में, कितनी है जय शाह की प्रॉपर्टी, कहाँ है बताओ? आपने आप उनके राहुल गांधी का निकालो तो उसका भी निकालो ना। सर राहुल गांधी का भाई इतना ही पढ़का है बस, सुनो आप जितना पढ़े हो दो ना, आप लोग बता दो, आप लोग हंसने वाले पे बता देता हूँ, इसे पूछो कितना पढ़े हो आप भाई? मैं एक मिनट अभी हंसवाता हूँ, मैं 10th फेल हुआ पर कमाना, मोदी के राज में कमाना बस की नहीं किसी के भी, हर चीज महंगी है, कुछ ना खरीदा जाए। इसे बोलो मेरी दुकान पे 12,000 पे तंगा देता हूँ, मेरा भी कपड़ा कम, मेरी दुकान पे आजा 15 दूंगा। फिर कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, फिर कहाँ रह गए बेरोजगारी? आप 15 का लोग रखना चमचे ऐसे ही है भाई, सुनो ये चमचे, हम तो भाई मैं अंधभक्त हूँ, सुनो हम तो चमचे ये मोदी का रिश्तेदार लगते हैं, मैं अंधभक्त हूँ, बताता हूँ कैसे। इन्हें ये नहीं पता कि रिजर्व क्या होते हैं, इन्हें ये नहीं पता IMF क्या होता है। इसे पूछो एक मिनट भाई मेरे बीच में नहीं बोला, सुनो इसे पूछो जो कर्जा बता रहा था ना, इसे पूछो IMF क्या है। आप मुझे एक बात बता दो सीधी सी, जमींदारों वाली 100 किलो रुई 100 किलो, कौन सी ज्यादा वजन है ये बता दो, आप एजुकेशन के बारे में जानते हो। यही बात राहुल गांधी से पूछी गई, सुनो एक आदमी को 10,000 रुपए कितने दिए? 10,000 रुपए दिए, लाइन भी सारी खाते हैं, लगेंगे और सबसे लेट कहेंगे हमें नहीं मिला। खाते फ्री की नहीं खाते हैं, फ्री मिलता है यूपी में, यूपी में फ्री मिलता है, टैक्स देते हैं, टैक्स सुबह से शाम तक एक मिठाई से लेके शाम तक टैक्स भरते हैं। इसे पूछो भाई टैक्स देता है कहाँ पे देता है बताओ, GST क्या? अच्छा GST सुनो भाई, GST फुल फॉर्म बताया, सुनो अरे यार सब अच्छा, जयश्री क्या है? आओ भाई बोलना, इधर जयश्री क्या है?
तो फिर क्यों ज्ञान दे रहे ज्ञान क्यों दे रहे देता हूँ? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? क्यों बताऊँ? क्यों क्यों बताऊँ? जीएसटी क्या है बताओ? जीएसटी की फुल फॉर्म छोड़ो, 100 किलो रुई 100 किलो लोग कौन सी ज्यादा वजन है? सवाल पहले मैंने करा, मेरा बताओ। देखो ये तो घुमराने का काम है, सुनो, गोल्ड सर्विस टैक्स है ना, इन्होंने ये तो बता दिया पीछे से, सुनो पीछे से बता के पकड़ा मत करो, सवाल रख मत, ए मैं रुको, ए मैं रुक जाओ, नहीं नहीं जाओ राजस्थान में, रुक जाओ रुक जाओ, नंबर देते जाओ, ये देश का कर्जा तो पता नहीं। दोनों लोग खड़े होके बात करें, माइक मत पकड़ो, एक एक कर सवाल लो तो जवाब दो आराम से भाई, आराम से भाई। मैं तुझे एक चीज बता दूं, हर चीज एजुकेशन ही नहीं होती, घर वालों की तरफ से सोचो, खाते क्या है कमाते क्या है, उसका खर्चा चल रहा है घर का नहीं चल रहा, हर चीज जीएसटी एजुकेशन ही नहीं होती, हर चीज में जीएसटी एजुकेशन। तो फिर अपनी जो तुम्हारी डिग्री वो यहाँ चिपका लो, डिग्री यही चिपका लो, सुनो सुनो, इससे पूछो, इससे पूछो फिर ये बेरोजगार कैसे है, एक आप बात बताओ भाई साहब, भाई साहब देखो मुझे बोलने दो यार, इनने बोल दिया तो मुझे बोलने दो, इनने का बेरोजगारी है, मुझे बताओ कहाँ पे बेरोजगारी है, कौन सा मुद्दा, कुछ एक मिनट, कितने लोगों से पूछ के आए बेरोजगार? बेरोजगारी इतनी है मेरे पाप पे, इंडिया में तो कमाया नहीं जा रहा, वो दुबई जाके कमा रहा है, बेरोजगारी इंडिया में देश वालों ने, दुबई में टट्टी साफ, सुनो दुबई में टट्टियां साफ कर लो, सुनो दुबई में टट्टियां साफ कर लो, शिक्षा इनको मत दो, ये जहां है वहीं रखो, गवर्नमेंट क्योंकि आपको पढ़ाना नहीं चाहती है, क्यों नहीं पढ़ाना चाहती, नहीं पढ़ाना चाहती, क्यों नहीं पढ़ाना, कोई कोई सुन, क्यों नहीं पढ़ाना चाहती है बताओ, पढ़ लिखना चाहती, अगर भाई पढ़ लिख लोगे तो मैं एक बात बताऊं, मेरे घर में टोटल 7 बंदे हैं, जिनमें से 2 की जॉब कांग्रेस के टाइम पे लगी थी, और मेरे 2 भाई अब भी प्रोसेस में, अभी तक नौकरी नहीं लगी उनकी, मोदी राज में क्यों नहीं लगती, क्या हम पढ़े नहीं है, क्या दाड़ है, विदेश गए हैं तो वो कांग्रेस के ही सरकार में उनकी उम्र रही होगी, क्यों नहीं लगी कांग्रेस के सरकार में आपकी पापा की जॉब, क्यों नहीं लगी, जो विदेश जाना पड़ा कांग्रेस के टाइम पे नहीं लगा, कांग्रेस के टाइम पे नहीं लगी, कांग्रेस के टाइम पे नहीं, इस मोदी के राज में लगी, मेरे मुन्ना कांग्रेस तुम्हारे भाई की लगी है, मेरे मुन्ना बीजेपी के टाइम, आप बोले हमारे पापा विदेश गए जाते हैं, हाँ फिर वो कांग्रेस के राज में क्यों नहीं लगी, कांग्रेस 25-26 साल होगी नहीं होगी, आपके पापा की उम्र 50 साल होगी कि नहीं होगी, मेरी बात सुनो, होगी नहीं, तुम्हारी बात नहीं, इसी पे बताओ ना कि हमारे 2 भाई, आपने बोला कि कांग्रेस के सरकार में हमारे भाई की 2 जॉब लगी, ठीक राइट, लगी बिल्कुल, लेकिन हमारे पापा तब भी विदेश जाते हैं, तब भी नहीं थे, सीधी बात, तब भी नहीं थे, अब गए हैं मुन्ना, सीधी बात, आपकी रिकॉर्डेड वीडियो गलत साबित रिकॉर्डेड है, आप पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है आपका, आप बातों को पलटिए मत, नहीं आप बातों को मत पलटिए, मेरा सुनिए, भाई का सवाल ले लेते हैं, सामने आइए, आप थोड़ा दिखना चाहिए ना व्यूअर्स, आपको भी देखें भक्त कैसे होते हैं, अरे भक्त हो यार, अंधभक्त, हम किसी के भक्त नहीं है, हम किसी के भक्त नहीं है, एक मिनट, चलो मैं कहता हूँ मैं भक्त हूँ, मैं थूक के चाटने वाला चमचा तो नहीं हूँ, एक मिनट नहीं तो मैं तो केवल, सुनो एक वो बेरोजगार बैठा है, एक मिनट भाई, एक वो बेरोजगार बैठा है 56 साल का युवा, सुनो जिसके 4 साल बाद पेंशन हाफ टिकट हो जाएगा, फिरोज खान का पोता, ठीक है, मैं तो अंबानी साहब ने जो रिहानो को बुलाया ना अपने बेटे की प्री वेडिंग पे, मैं तो अंबानी साहब को लानत देता हूँ, जो नछनिया देश में बैठी है बेरोजगार उसको ही बुला लेते, तुमने रिहानो को बुला लिया, इन्होंने बढ़िया बोला एकदम, क्या बढ़िया बोला, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रही है उनको नचनिया बोल रहे हैं, बढ़िया बोल दिया है यार, रिहाना रिहाना की बात नहीं कह रहे हूं कि रिहाना को बुला लिया इतना पैसा देकर, और आप जो है देश इनकी बात करते हैं, लीडर उसने बुलाया, उसने बुलाया, गलत बुलाया, सही बुलाया, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, जो देश में बेरोजगार नहीं बैठी है भाई, चुप रहा यार, तुझे नहीं आता कुछ भी भाई, तू अनपढ़ है, सुना सुनो, हाँ सुनो, ये अनपढ़ है, आप 4 टॉपिक पढ़ गए, वो बार बार रिपीट कर रहे हो, एक तो पहली बात तो मुंह पे नहीं चिल्लाते, यही होती है एजुकेशन 10वीं फेल की, और मैं भाई सुनो, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और यही 10वीं फेल, अभी तुमने बोला 10वीं फेल हूँ मैं, मायने नहीं रख, मैं हूँ 10वीं फेल, मायने नहीं रखता, सुनो मैं बताता हूँ, ये कह रहा है, सुनो रिहानो क्यों बुलाया, इसे ये नहीं पता मैंने जवाब क्या दिया, इसे ये नहीं पता पंचर वाले को मैंने जवाब क्या दिया, और ये बेरोजगारी की बात करता है, ये 56 लाख करोड़ की बात करता है, 103 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने ईरान का चुकाया, इन्हें ये तो पता नहीं, सुन रहे हो, एक मिनट सुनो, आप इसे एक बात पूछो, 2013 में हमारे भारत में कितने एम्स थे, पूछो आप, यही आप
वो सब बात पिछली छोड़ो, वो 2013 पापा दुबई के अंदर, सुनो सुनो, विदेशों में जाकर टट्टियां साफ, एक मिनट, विदेशों में जाकर टट्टियां साफ कर लेंगे, भारत में रह के काम नहीं करेंगे। हरियाणा की सरकारी तो भेजिए विदेशों में काम, टट्टियां साफ करवाने के लिए भेजिए देश को, लोगों को। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई, भाई बोल रहे हैं विदेश जाकर टट्टी साफ कर लेंगे। ऐसे कर कोई ठीक सा काम जो टट्टी ना साफ करनी पड़े, तू ही दिलवा दे सब भाइयों को, जितने भाई है इंडिया में तू ही दिलवा। पूछो, अच्छा रुको, बोलो कि हम भिजवा देंगे, लेके घूम रहा है तू, बेरोजगार खुद, खुद का बिजनेस है उसमें भी, खुद का बिजनेस है, खुद का बिजनेस है उसमें भी जीभ निकली पड़ी है, बट फिर भी मौज तो फिर भी लेते हैं हम, मौज तो फिर भी लेते हैं। पुराने वाला है इसका, तो पुराने वाला है, मेरे तो फिर भी नए वाला है, इसका तो पुराने वाला है, वो भी छोटा मॉडल, मेरा तो टॉप मॉडल है, नया वाला यहाँ पे, सुनो यहाँ पे हवाबाजी करने नहीं आए भक्त भाई, हवाबाजी सुनो, ये है चमचा, ये कभी भी नहीं देश के हो सकते। सुनो मैं आपको बताता हूँ, इसे ये नहीं पता कि कितने एम्स है 2014 में, सुनते रहो, 2014 में 4 एम्स है, आज 22 है, सुन रहे हो, आज 22 एम्स है, आईटी सेक्टर में जीरो था, आज भारत का पहला नंबर आईटी सेक्टर का, बेरोजगार की बात करता है। मुसलमान सुनो, ये कहते ना हिंदू मुसलमान करते हो, 2018 से 2024 का मैं बताऊँ, इन भक्तों का यही झाड़ बीजेपी वालों को, हिंदू मुसलमान, मैंने बोला हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान बोला मैंने, नहीं बोला, मुसलमान बगैर बात नहीं होती। 2018 से 2024 तक सबसे ज्यादा मुसलमान पढ़ रहा है, 70 साल पढ़ रहा है, लेकिन जॉब तो लगी नहीं रही, पढ़ेगा तब तो लगेगा, अब तो किसी की नहीं लग रही, चाहे पढ़ तो घर से पढ़ रहे हैं। देखो यही होता है पढ़े लिखे का बात, अग्निवीर वाले समझ रहे हो, यही होती है पढ़े लिखे की बात, सुन तो लो पूरी बात, सुन तो लो यार, सुन लो पूरी, करो हम बताएं अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर ये नहीं पता कि कितने एम्स थे, कितने हैं, इसे ये तो पता नहीं, इसे दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा, अभी तक बजट पास, आईटी की फुल फॉर्म पूछो, आईटी की फुल फॉर्म पूछो, अग्निवीर के बारे में बता रहा, अग्निवीर चमचों से आईटी की फुल फॉर्म पूछो। पहली बात तो इज्जत लो, इज्जत दो, चमचे वगैरह हम किसी के नहीं, आपने पहले अंधभक्त, हम ऊपर वाले के सामने झुकते, आपने बोला हम खुद अंधभक्त, देखो देखो मेरा ऊपर वाला तो सबके हृदय में बैठा है, सुनो मेरा ऊपर वाला तो सबके हृदय में बैठा है, ना हम किसी को मारते हैं, ना हम किसी को काटते हैं, ना हमने किसी को कुछ करना, आप ऊपर वाले के सामने झुकते हो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ अगर आप मुझे इज्जत दोगे मैं आपके सामने झुकूंगा, क्योंकि मेरा ऊपर वाला आपके अंदर बैठा है, सुनते रहो सो बात की एक बात, और इस बात को आप झूनो, ये जो आप कह रहे हो ना मैं मेरा ऊपर वाला, आपको ऊपर वाला नहीं, वो हमारा भी ऊपर वाला है भाई, समझ रहे हो, फिर आप ये मत करो ना, आप चमचों वाली बातें कर रहे हो, बीजेपी वालों पे सिर्फ एक बात है, वो बिगर मुसलमान हिंदू वाली बात के अगर कुछ नहीं कर सकते, वो जरूरी 1947 1962 सुनते रहो 1947 1962 1975 1982 1979 में मोदी तो नहीं था और भक्त तो नहीं थे, तो तुम कहां पे फिर वो पैदा हो गए, बताओ पैदा हो गए मतलब, मतलब कि कितना हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था, तुम्हारी बात में कोई लॉजिक नहीं है, पहले संभाल के नॉलेज, दंगा हो रहा था तो कौन करा रहा था, उनके कहने का मतलब है जो 1962 1979 जो बता रहे हैं तब हिंदू मुस्लिम जब भारत में हो रहा था दंगा, 47 में किसने पाकिस्तान अलग करा तब हिंदू मुस्लिम कब आया, वो छोड़ो तुम, ये देख सबसे बड़ी बात है, अलग करने वाली बात छोड़ो, यहाँ पे बात सबसे बड़ी बेरोजगारी की है, वो बतलाओ कैसे छोड़े, बेरोजगारी सबसे पहले छोड़ो, बेरोजगारी छोड़ो, सबसे बड़ा बेरोजगार बंदा यही दिखता है, पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के भक्त क्या कह रहे हैं, सुनो डायमंड की पहन रखा है, ये बेरोजगार है और चेहरे पे चमक है, सबसे बड़ा बेरोजगार है हिंदू, ये तो मेरे पापा की देन है, दुबई से ट्रांसफर करता है मनी, ये पापा भेजते हैं, पापा दुबई में ड्राइविंग करते हैं, यहाँ पकड़ पकड़ के बार बार मून देते हैं, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे, इसलिए दूसरी वहां जाना पड़ा। अभी आपने कहा आपके पापा की देन है, ठीक, पहला नंबर, दूसरा नंबर, आप पढ़ाई कर रहे हो, कौन कह रहा है कि आप बेरोजगार हैं, पढ़ाई करोगे या रोजगार करोगे या पापा के रोटी पे पलोगे, पढ़ाई तो हो गई, खुद का बिजनेस कर रखा है, क्योंकि जॉब भी नहीं मिलती, स्किल इंडिया मोदी सरकार देता ही नहीं, मेकिंग इंडिया सुने हैं, एमएसएमई सुने हैं, अगर आप सक्षम होंगे, आप न्यूज वाले सब अंधभक्त, न्यूज वाले कुछ दिखाते ही नहीं है, हम तो ध्रुव राठी के फैन है, वो दिखाता सच्चाई, ध्रुव राठी को देखता हो तो समझ में आ गया, सब 30 साल की गोदी मीडिया का पूरा पर्दाफाश आ गया, समझ में आ गया, देखो आप
आपके अंदर ईमान है ना, ठीक है। दो बच्चों की हत्या हुई, सुनो ध्रुव राठी की बात कर रहा हूँ, दो बच्चों की हत्या हुई, सुनते रहना भाई। उसके लिए कोई ध्रुव राठी नहीं बोला, सुनते रहना भाई एक मिनट। उसके लिए ध्रुव राठी नहीं बोला, ठीक है ना, उसके लिए रविश कुमार बोला। सर सर एक मिनट, अभी तो आप लोगों को बुलडोजर चलना पता रहता है। अगर रोज हजारों वो होती है, पता आपको क्या पता है, राजस्थान में रोज वहाँ पे जातिवाद इतना बड़ा पड़ा है भाई साहब, गोड़ी से उतारते हैं। अरे सुन तो ले भाई, वहाँ से हटा भाई, वहाँ से हटा। इनमें और कुछ नहीं सिवा अकड़ के, अकड़ कूट कूट के भरी हुई है बीजेपी वालों में, कूट कूट के भरी। देखो मैं ईमान की बात करी थी, ईमान के पक्के हो, सुन के जाना। मोदी को हम क्यों लाए, इनसे सवाल करिए। अबे ये नहीं लाएंगे तो हम लाएंगे 100 करोड़ 110 करोड़ सवाल ना है मेरा, सारी सरकारों से सवाल है। मैं बीजेपी का ना सपोर्ट हूँ ना कांग्रेस का, क्या करे आपने यार चमचो भ्रष्ट, सारा भ्रष्टाचार मोदी को ले, ओ मोदी बुला रहा अपने पास, भ्रष्टाचारियों को अपने पास ले रहा है, बेरोजगारी फैला रखी है। देखो क्यों लाए उनको, भ्रष्टाचारियों को बुला रहा, मत समझ नहीं पाया, भ्रष्टाचार करो। देखो दो भाई एक मिनट चुप रहना, दो बच्चों की सर काट के हत्या करी, ठीक है, दो बच्चों की, हाँ ठीक है ठीक है, दो बच्चों की सर काट के हत्या करी, जो ध्रुव राठी की बात करके भाई एक मेरी तो सुन ले फिर अपनी बोलियो, बधाइयों में ठीक है, 4 साल की बच्ची का रेप हुआ तब तो ध्रुव राठी नहीं बोला ना रविश कुमार बोला, ठीक है। मुख्तार अंसारी का मृत्यु हुई, मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई तो सब पहुंच गए, सबका ट्वीट आ गया, बताओ क्यों। यूपी पे ना बोलोगे, उस लड़की का रेप करके रात में जिंदा जला दिया, मतलब कि मारा हुआ जला दिया बिना घर वाले, लड़की नाम बता नाम बता नाम बता सब बता, बधाइयों में।